हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ दिखलाने वाला हूं जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने कैपेचिनो और मुखी का पेयर लगाया है और उसका जो बच्चा आया है आज मैं आप लोगों को वो दिखलाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ जिस जिस कबूतर का मैंने पेयर लगाया है वो मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर कैपेचिनो ये वाला मेल है, ये देखें ये मेल है, और इसका पेयर मैंने लगाया है ये वाला मुखी के साथ, ये देखें। और इसके साथ मैंने पेयर लगाया है। उसके बाद इसका जो बच्चा जो आया है मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। ये देखें जो कलर है, इसका जो फादर है कलर लगभग सेम है, हल्का कलर इसमें चेंज है अभी, आप देख ले। और इसके सर में आप देखें, जैसा मुखी के सर में मुखी होता है वो इसके सर में भी है, और हल्का हल्का जो जैक होता है जैसे कैपेचिनो में होता है, ये देखिए आप इसके सर में जैक देख सकते हैं, तो उसी तरह से इसके सर में जैक है। और यहाँ देखिए, जैसे कैपेचिनो के सर में भी आपको मुखी जैसा नज़र आ रहा होगा तो इसके सर में भी वैसा ही है, ये देखिए। और कलर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देखिए, इसका दो तीन पर वाइट है। इसी तरह से यहाँ पर जो कैपेचिनो है इसका भी जो साइड वाला बड़ा वाला जो पंख होता है वो वाइट होता है, ये देखे। और उसका आप देखे जो पूछ है, जो टेल है वो भी वाइट है, लेकिन इसका जो टेल है ये इसके जो बॉडी का कलर है सेम उसी तरह से है, इसका टेल वाइट नहीं है, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और जैसे कि मुखी के पैर में पामोच नहीं होता, इसके भी पैर में पामोच नहीं है, और कैपेचिनो के भी पैर में पामोच नहीं होता है, ये देखें। और मुखी के पैर में भी आप देख ले, इसके पैर में भी पामोच नहीं है, तो इसके पैर में भी पामोच नहीं आया है। तो बाकी हम देखेंगे जब ये बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होने के बाद ये कैसा लगता है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये देखें, तो मैंने जो पेयर लगाया है आपको फिर से बतला देता हूँ, कैपेचिनो का और ये मुखी का पेयर लगा हुआ है। तो दोनों लगभग में सेम है, जैसे इसके सर में मुखी है तो आपको इसके सर में भी मुखी टाइप से दिखाई देगा, लेकिन जो इसके सर में चोटी है और इसका जो जैक है वो भी कुछ बहुत मिलता है। तो इनका पेयर लगा हुआ है और ये फिर से घोंसला बनाने लगे हैं, फिर से क्रॉसिंग करने लगे हैं, तो ये फिर से कुछ ही दिन में अंडा दे देंगे। तो इस बार मैं देखूंगा कि इनका जो बच्चा है वो किस तरह से निकलता है। इस बार का जो बच्चा है वो मुझे काफ़ी पसंद है, इसका कलर भी अच्छा आया है, और ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। जब ये कुछ और बड़ा हो जाएगा, जब ये खुद से दाना खाने लगेगा, तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो बना करके वो भी दिखलाऊंगा। अभी मैं इसे वापस रख देता हूँ। तो आपको कमेंट करके बतलाना है ये पेयर आपको कैसा लगा, और इसका जो बच्चा है वो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट करके बतलाना है। और यहाँ पर अभी जो बाकी कबूतर है वो दाना खाने लगे हैं, और यहाँ पर जो लखा बच्चा है वो यहाँ पर बाहर आया हुआ है, और साथ में उसकी जो माँ है वो भी साथ में है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।